सुनसान रात में इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन और रेडियो में फुलरे मेमन के बाहर का आश्रम में बैठल सबको कबीला होकर हृदय से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। मैं अपने होकर मन के बाहर के सहयात्री संगम कबीला ये कार्यक्रम हरेक अठवार मंगलवार रात 9:15 से करीब करीब 10 बजेसम अपने होकर आपन रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूरसंचार 106.5 मेगाहर्ट्ज नहीं सुन के मन बो निकट मसे ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक साथ सुन सकता है। कबीला आज कार्यक्रम के पर्दा में उघार सीख आशा करत हूँ ये कार्यक्रम को समय समय सुन का साथ देविकना मैगर कबीला ये कथा कहानी ओ व्यक्ति के नाव यदि केकरो जीवन में मेल खाई पुगल से केवल संयोग मात्र समझबे अपने जिंदगी फैलाई भारी भारी भाको अपने जिंदगी फैलाई भारी भारी भाको पलमै उत्रिन्छ पलमै डुब्छ पलमै उत्रिन्छ पलमै डुब्छ श्रोता मित्र अग्र आज फिर मैं अपने होकनक महाज मन उपस्थित होकर बाटू अपने होकनक पठाई मन के बाद लेखन कबीला आज म राठ में पड़ल बा संतोष चौधरी जी के सत्य जीवन कहानी वहाँ अपन ठेगाना वैवाह दुई कंचनपुर के ककल बाट तुहार समझना म शीर्षक म आज मई अपने होकनक महाज मन संतोष चौधरी जी के सत्य जीवन कहानी में प्रस्तुत कर जाए टू कबीला आशा कर दो अवश्य फे ये कथा कहानी ये सत्य जीवन कहानी सुन को साथ देविकना श्रोता मित्र हो ग्रह संतोष जी अपन सत्य जीवन कहानी अशी को शुरू कर लाट संतोष जी कठ कार्यक्रम संचालक संगम जी मोर तरफ से ये जूर जूर मौसम में दंडूर दंडूर अभिवादन हो राम राम कई कल बाट संतोष जी कठ संगम जी जब मैं कार्यक्रम फुलरिया में मन के बात सुनो मैं भी आपन उतिन के याद आई जोन मई जिंदगी म रंजिता के माया म रुई पुगल रहो आज भी मई उतिन के याद ओकार समझना चल चली आई संगम जी रंजिता हो मोर बीच में हुईली घटना सत्य हो हमार घर एक टोल म एक गांव में पड़ा घर लग हुई लग कारण से संग स्कूल जाना ऐना करे जबकि हमारो छ कक्षा में पढ़ना करे जब स्कूल जाना समय होए रंजिता अपन घर से निकलना करत ओ
मै फे आपन घर से ऊ हम संग दुनुजे स्कूल जाए ना करे मीट मीट बात बटो ना करे सुख दुख के बात बटो ना करे हमारा दुनुजे अस्त कना स्कूल पुगना करे स्कूल में फिर हमारा संग एक बेंच में बैठना करे हमारे यह क्रम करीब दुई वर्षसम चल ये दुई वर्ष के भीतर हमारा एक दूसरे के माया में रमाइना करे बहुत रमाइलो रह जिंदगी मैं असिन सोचू कि मोर जसिन जिंदगी के कर हुई रहा हमारा हस्ती खेलती एक दूसरे से रमाइना करे स्कूल में फिर संग एक ठाव बैठना करे रंजिता से अर्पल संग रहना करे जस्त को परिवार की जोड़ी आकाश में रमैती उठ आकाश में रमैती उठ संग घूमना करथ संग खैना करथ अस्त का हमार जोड़ी फिर जब स्कूल के टिफिन हुए हमारे संग बैठ कर खैना चीज बाट बाट के खैना करे मीठ मीठ बाट करना करे हाँ संगम जी बहुत सुंदरी रहे रंजिता उनका रूप देख कर दुनिया चल रंजिता है पाएक लाख कतरा दीवाना तड़प तड़प के जीती रला चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए चाहे जीवन कुर्बान हो जाए चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए चाहे जीवन कुर्बान हो जाए तुहन अपन बनेब तुहन गली चढ़े चाहे जीवन बंध के चल जाए चाहे दुनिया दुश्मन बन जाए। रंजिता बहुत शुक्र रहे असीम शुक्र असीम के हुकार रूप के बयान करें सृजना हो जस्ते रूप की सुंदर रही रंजिता उस्ते हुकार चाल चलन स्वभाव बोली वचन फिर उस्ते रहें बहुत नर्म रही रंजिता मिठास बोली रहीं सुनती मजा लग संगम जी कसी बयान करूं मैं रंजिता के बयान करें सृजना हो उकार रूप रंग उकार सुंदरता के जब क्लास में बैठना करे रंजिता मोर आगे बैठना करे मैं उकार रेशमी बाल संवार देना करूँ हाँ संगम जी ऊ रेशमी बाल बाल में से सुभाष निकालना करें मैं उकार मैया में सब कुछ भुला से गल रहूँ केवल रंजिता रही मोर जीवन में मोर हर पल के याद में केवल रंजिता रहे दिन उस्त बिती गई हमार जोड़ी देख के समाज जल लागल हमार मैया में दरार फटेना प्रयास कर लगल विभिन्न आरोप शंका बदनाम कर लगल कारण मैं गरीब रहूँ मैं गरीब हुई कारण से हमार बीच में दरार लड़ना प्रयास कर लगल मैं एक झोपड़ी जैसे घर में हुर्क लगल उठा हुईलक कारण मोर घर पक्की महल नहीं हुईलक कारण मही से छुटाइक लाग पिटना फे करें तर रंजिता ये सब बात मही से छुपल रहे कारण रंजिता सोचे यदि मैं आपन दुख के बाद संतोष होकिन बटिम गल से संतोष कतरा दुखी हुई है कतरा चोट लगेनो घर हृदय में संतोष मर दुख सहने से कहें कई का रंजिता अपन सब बात छुपैना करी मन भीतर रोकन मोर सामो मुस्कुरैना करे मोर सामो रमैना करे हंसना करे रंजिता हाँ संगम जी एक दिन के बात हो जब मैं सुनो मोर कारण से रंजिता न पिटलिन गई का ये बात मैं सह नहीं सकनो ओ मैं रंजिता के घर पुगेन तर रंजिता से कुछ कह नहीं सकनो इस समय हमारा आठ क्लास में पढ़ना करे जब और बिहान स्कूल जाना समय हुई हमारा ओ सदा दिन हस भेट हुईना करली ओ संग संग स्कूल जाना करली यह यात्रा मुमई रंजिता
मैं रंजिता से पूछनु। रंजिता का तोहर घर में धुन पिटल रहा मैं सुन तनु मोर कारण से धुन पिटल गई का। रंजिता दुखी हो कले अपन सबको चाज अपन सबको मन के बात मोर सामू खोले। मैं रंजिता न कनु रंजिता काटू मई जाति का भाया कर थोड़ा। रंजिता कले हाँ मैं तो दोन पहले से माया कर थो कह बुनी से कुता। अपन ख्याल कर हो कैका कना करी रंजिता। जब धीरे 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 हमार माया के चर्चा फैलन समाज हमार विरोध में उतर गई
मैं सुने लग्नु रंजिता और जान के हो गई का जब मैं ये बात सुनू मैं कहाँ कहाँ से गिरस लागू मैं बस यह सोचना करूँ नहीं रंजिता केवल मोर हुई थी रंजिता मई माया कर थी और केकरू नहीं हुई थी तर भारी गलती रंजिता की दाई कर से कर रहे जब रंजिता संसार में जन्म नहीं ले रहे ऊ बेला और जहन देना पाचा कर से कर रहे रंजिता की दाई जब मैं बात सुनो ऊपर से गिरस लागल मैं ढिकार लग्नु एक ऊपर था का सीखे भोजवेट अपन इच्छा बिना जबरदस्ती और जन से भोजवेत रहा जबकि संसार में जन्म लिए निपाइल हो यहाँ भोज के बाचा करना कसिन चलन हो ये कसिन गई का मैं आपने आपन प्रश्न कर लग्न हाँ संगम जी रंजिता के जीवन में यह होगल रहे रंजिता रंजिता न संसार कसिन बागना पटाने रहे तर यहाँ रंजिता न और जन को पर सौंप सागल रहे और जन से भाज करना बाचा कर सागल रहे रंजिता के जब मई पटा पैनू रंजिता से जसिक पे भेंट करना चाहनू ये बात मई रंजिता के संग रहने कनो कि मैं रंजिता से भेंट करना चाहूँ प्लीज मोर भेंट करा दे ना कहीं का मैं रिक्वेस्ट कर दो ये खबर रंजिता काठे पुगले ओ रंजिता अपन घर मन से नुक्क मही से भेंट कराइली रातिक समय रह सुनसान रात रह घर से करीब 200 मीटर एकांत ठाव में हमार रंजिता से भेंट हुई यह हमार अंतिम भेंट अंतिम मिलन हुई पुगल रहा हमरो करीब 3 घंटा बातचीत कर ली अपन मनक बात साटा साट कर ली रंजिता बहुत दुखी रही रंजिता के लिए संतोष मैं केवल तुहारे टू तुहारे रहम तुहारे हुई और केकरो नहीं जी हम तो तुहार लाग मरम तो तुहार लाग हाँ संतोष केवल मैं तुहार हिटू रंजिता मोर उकार में आकर चपट गई रो रो के गही रंजिता रंजिता के आँखी में से आंसू के धारा बहत अलिन मैं उकारू सुस्के रहन सहनी सकदन उकार आंसू ले मोर छाती बिजा सगल रहीन मैं उकार रेशमी बाल संवर्ती कनो रंजिता मैं फिट वहाँ बिना रहने सीठ हाँ रंजिता मैं फिट उन बहुत माया कर थू हाँ रंजिता केवल टू मोर ही तू केवल मोर तुहार बिना तो मैं न तो भूख लागत न तो प्यास रंजिता का तू इन पटावा जब हमार भेट 9-10 दिन नहीं हुई मैं केवल टोहा निम्ति तरफ टोहन देख नाग टोहन से बात कर नाग अपन मन की बात तोहन सुनने मन लाग तोहर बात सुनना मन लाग महीना हाँ रंजिता मैं तुहार याद में हर पल तर्पना करूँ हाँ हाँ रंजिता हाँ संगम जी रंजिता मोर उपकार में करीब 3 घंटासम रहे हमारे दुन से अपन मन में संग्रल बात एक दूसरा न बटेना कर ली असिन लाग कि सदा दिन हम अस्त कर रही उपल असिन रह असिन लाग कि हमारे रात भर अस्त कर रही एक दूसर के अंगालो में रात बिताई छुटना मन नहीं लाग छुटना मन तो नहीं रह तर बाध्यता छूत पर्न रह कारण हमार खोजी में सारा गाँव मन छिटी गिर
यह कारण रंजित आसे नहीं चाह कफे छुट्ट पड़ल। हाँ संगम जी, वो भेंट हमार अंतिम भेंट अंतिम मिलन हुई पुगल। संगम जी, वो मिलन के रात हमार अंतिम मिलन के रात हुई पुगल। आज भी मही जब रात परत वो अपन गाँव में जैठू वो रात की याद आइट। हो घर समझना में मोर रात कटत जबकि वो सुनसान रात रह वो रंजिता के सुस्केरा मैंने याद आइट। जबकि रंजिता मोर अंगालो मन जबन कना मैं से कना करी संतोष मैं तोहार बिना रहने सिकम मैं केवल तोहार हेटू मैं तोहार बिना जीने सिकम मैं तोहार बिना बाँचने सिकम। हा संतोष कई कह रंजिता कना करे। हा संगम जी, अमी भी होकर समझना में पल पल मोर आँखी रसिना करत मैं होकर याद मन हुकार समझनामा जब सुठो हुकार समझना आइट जब निने ठो हुकार सपना हुकार संग हँसलक खेललक बोलक याद आइट। अचानक मैं झस्कठो ओ एयर ओर हेर थो केवल अकेली बैठो हुकार समझनामा मन मन म रुइना गर्थो तर्पणा गर्थो। सायद आज रंजित मर्संग रती कलसे कतरा मजा होने रह कतरा रमाइलो जिंदगी रहने रह कतरा खुशी रहने रहनु मैं आपन मन हन समझिना गर्थो। तोर किस्मत अस्त रह का कर त्या तोर जिंदगी की कहानी यह लिखल रह अस्त होना रह कई कमई आपन मन न समझना करथो। हाँ संगम जी, संगम जी, एक दिन के बात हो रंजिता न जबरदस्ती उठाक लैगिलिन कना बात में सुनो मही असिन लागल कि क्यों मोर मुटु के क्यों मोर मुटु चीट के लगिल मैं सोचे नहीं सकनो कसी कहुई से कि कसी कहुई से कि सब जबकि रंजिता मही माया करते कसी को ले जाए से कहीं रंजिता अकेन कसी कहुई से कहीं रंजिता और जान के मैं एक पिंजड़ा में छटपटे तिर हल पंछी ऐसा छटपटा लग्न मोर मन टुकड़ा टुकड़ा हो जागल रह मोर छाती चीर अस करता। हाँ संगम जी, मैं अपने आप न संभालने से आगटन हूँ मैं अपने आप न संभालने से आगटन हूँ। उ दिन से मोर जिंदगी में अंधरिया छा गई मैं अपने आप न बिसर जागल रहूँ पागल हस हो गिल रहनू मैं का बोलटू का करटू कहाँ जाए तू पता नहीं पाऊँ कब खाऊँ या नहीं खाऊँ सुतू या नहीं सुतू कब नींद आऊँ महीना पता नहीं चला मोर लाग रात दिन बराबर रह महीना रात फ्योस्त लाग दिन फ्योस्त लाग। हा संगम जी, केवल रंजिता रही मोर हल पर मोर नजर में मोर मन में सब कुछ रंजिता रही। हा संगम जी, ये सिलसिला करीब तीन चार महीना समय चलल जब रंजिता के विवाह के दिन लग लग आई लग दिन रंजिता भोजक निउटा दिले मौखिक मा रंजिता कली संतोष मोर भोज मा जसिक भ्याई हो तुहन आपन आपन लग
लग से हेरा चाटो अपन आँखी सामुन्नी देखना चाटो तुहर आँखी हेरना चाटो केवल एक जो केवल एक जो प्लीज संतोष केवल एक जो जस्सी फिर आयो ना नहीं तो मजा नहीं हुई कहीं का रंजिता रिक्वेस्ट कर ली। हाँ संगम जी मैं रंजिता के बाट काट नहीं सकनो हिम्मत करनो जस्सी फिर आई जस्सी फिर जाई जया परी परी कहीं का मैं जाई ना निर्णय लेनो संगम जी जब रंजिता के भोज के दिन आई लगलिन उ दिन गाँव में खुशियाली छाइल रहें मन रमाई टोला डुला के घर अंगना सजल गीत बाजा बोल्ट मोर रंजिता दुलहिक सिंगार में दुलहक सामु बैठल रहे अनुहार मलिन रहिन उकार रंजिता के सायद मोर ऐना आशा मोर ऐना आशा मन रहलु ही रंजिता टीका लगेना समय हुई रह सब्जे पाले पालो टीका लगा के आशीर्वाद देना करत रह। हाँ संगम जी मैं रंजिता के वचन तार नहीं सकन हुकार भोज में गईन मैं सोचु मैं रंजिता के लाग का पोरा देह से कमरा मोर केवल शरीर बा प्रेमले भरल हृदय बा शुद्ध मन बा और मोर थे का बार मैं एक गरीब लौंडा यह कारण से तो रंजिता है मही से छीन कर लगी। हाँ संगम जी संगम जी धन के नाव में मोर धन केवल 5 रुपया रहा केवल 5 रुपया वह 5 रुपया लेकर रंजित भोज में गई रहूं जब टीका लगने समय समय रहा मैं फिर अपन रंजिता के सामू जैना अपन कदम बढ़ेन रंजिता मही न टेरछू नजर ले हेरती रही। हाँ संगम जी जब मैं टीका उठा के हुकार माथे में लगाई लग्न मैं असीन फीलिंग हुई कि रंजिता मोर दुलई हुई थी मैं हुकार माग में सिंदूर डारत जैसी लागल रंजिता मोर आँखी में आँखी मिला के हेरती रही हुकार आंसू हुकार हुकार आँखी भर आंसू भर गिल रहे आँखी पलका मन आंसू तलबल तलबल करते हैं मोर छाती चिरस करता रंजिता रंजिता के आँखी में हेराइल रहो रंजिता आँखी नहीं झिमका कना एक हो रु महीना हेरती रही उखार हेराई बटाई दिन कि रंजिता महीना कतरा माया करते कतरा चाहती कई का उखार हेराई बटाई दिन रंजिता ने बोल से फे उखार मन की आवाज मोर दिल के धड़कन मोर कान में जोर जोर से गुंजता शायद रंजिता न फे अस्त गुल रंजिता फे रुन छुन अनुहार ले मोर निधार मन टीका लगाई डली कतरा पटक लगिली मई फे गन नहीं सेठू असीन लाग न कि मोर निधार म टीका लगाई लगाई तथ्याके टीका फे ओराई फिर गल रही तर रंजिता एक हो रु मर आँखी में हेरकन टीका लगाई डली रुन छुन अनुहार ले कर हा संगम जी मोर आँखी में आँख मिलाकर रंजिता हेरती रही हमारो माया देख कर सारा जे ढंग पर गिलला रंजिता अपन मन के बाद कना प्रयास करते उगार देवर
हुकार देवर बढाइ तले कि कोच रंजिता कोच गर्न चाहटे तर कहने स्यागतले कुछ बोल्न प्रयास गर्दले तर आवाज निकार्न स्यागतले रंजिता मै सब देख उठे मै सब देख सहने सिक्नु रहने सिक्नु ओ हाँसे मै निकल गिनु संगमजी मैं रंजिता न बधाई देना सिपाए कुछ करने सीखनु बधाई बात तुहिन तोहर भोजिक मोर मालकिन हो बधाई बात तुहिन तोहर भोजिक मोर मालकिन सच रहे तोहर बेला पराती खुशियों के लागे मैं वहां से अपन टूटल हृदय अपन रुनछुन आवाज आंखें भर आंसू निका वहां से निकल गिनो हाँ संगम जी जब रंजिता की भोज हुई मैं सारा कुछ सुनसान लागे लागल सारा कुछ मोर आंखें में मन म केवल रंजिता रही कुछ दिन बाद स्कूल शुरू हो गई मैं स्कूल जाना तैयारी करूँ असिन लाग रंजिता फिर स्कूल जाए लग सप्रट हुए वो आप बही वो हमारे संग स्कूल जेबी वो मीट मीट बात बोटे बिगे का मैं समझू तर जब मैं गरम से निकलू डगर पुगू वहाँ सुनसान देखू रंजिता ऐना आशा करू मैं झस्कू नहीं रंजिता आपने यही आप रंजिता ने यही रंजिता का तो बहुत उसे गलबा जिनके को समझू मैं अकेली उदास हो का निराश हो का लखरा ना करू क्यों ही से न तो बोलना लागा न तो हंसना लागा न तो नेंगना लागा अकेली स्कूल में जैना करो तो लाख न बैठना करो मैं रंजिता न देखस लगा अपन बहन सके आग रंजिता न बैठल बैठल स देखो रंजिता से संग मीट मीट बाट बटलक वो खैना चीज बाट बाट के खैलक वो चलक हंसलक होकार हेराई होकार मुस्कुराई सब कुछ मैं नहीं याद आए मैं अचानक मन मन मना रोई पुगो आंसू बह जाए कब आंसू बह पता नहीं पाओ हाँ संगम जी हाँ यह सिलसिला मोर दुई वर्षसम्म चलल मोर दस क्लास सम्मक यात्रा अस्तक चलल हाँ संगम जी पाँचमय भारत के पाँचमय भारत और काम के सिलसिला में निकल गई नो वहाँ वहाँ फे केवल रंजिता की समझना रात दिन ओकार समझना में बीत जब मैं भारत के पटना से 2073 साल में फिरता हुई नो मैं रंजिता से बहुत बात करना मन लगा यह बात मैं रंजिता के संघर्या सुनिता न कहो मैं रंजिता से बात करना लागत तर रंजिता फिर यह बात कही यह बात कठिन गई का सुनिता कहन संगम जी रंजिता से हमार 5 वर्ष पाछ फोन में बात हुई पुगल हुई पुगल रहा जब हमार फोन में बात हुई मही ओह दिन के समझना चल चली आए रंजिता ओह बेला अपन गलती कमजोरी स्वीकार करदले रंजिता ओ बेला बहुत रुली रंजिता कहतले प्लीज संतोष मैं माफ कर देव मैं बहुत गलती करनू मैं बहुत भारी गलती करनू
मैं तुहार हुई नहीं सकनो, मैंने माफ कर दियो। आशा करो संतोष, यदि मैं इजुनी में तुहार हुई नहीं पैनू नहीं हुई पैनू शायद ऊपर वाले की छाई हरा रही। आशा करो और जुनी में पक्के भी मैं तुहार हुई नहीं बाटो, तर मैं कना करो रंजिता, यदि तू इजुनी में मोर हुई नहीं पैलो कलसे मई और जुनी के आशा नहीं हो। और जुनी तो मिलत या नहीं मिलत बाया नहीं हो कुछ पता नहीं हो, यदि हुई कलसे पक्के भी तू मोर हुई का कमाई कहूँ। हाँ संगम जी बहुत रोली रंजिता उबेला बहुत रोली हुकार रुआई से मैंने पटा हुई कि कतरा माया कर थी रंजिता, कतरा ध्यार चाहती महीना रंजिता गई का संगम जी अभी भी मैं रंजिता के दुख सहनी से ठू मैं यह डाइट मोर कारण से पिटवा पैलक बहुत पिटना करें रंजिता हो गए, तर फिर सब कुछ सहकन रंजिता अपन दुख नुकना करे मैं दुख देखना नहीं चाहे मोर आखी मन आंसू देखना नहीं चाहे रंजिता। हाँ संगम जी रंजिता अपना दुख हुई से फे अपना रुईल से फे मैंने खुशी करेना प्रयास करे मोर सामु हंसना करे मोर सामु रमाइना करे मैंने खुशी करेना प्रयास करे रंजिता। संगम जी अभिन फे मैं रंजिता न यह करना चाहूँ रंजिता, यदि मोर कहानी सुनते कलसे मैं तो नहीं करना चाहूँ, यदि तू खुशी नहीं हुई तो कलसे अभिन फे मैं तो इन स्वीकार करना तैयार बटू तुहार लगी हृदय खाली बा हृदय तुहार निम्ति ठाव छोड़ल बाटू मर माया ओराइल हो मैं तुहार माया मरल नहीं टू अभिन फे ऊह माया बा तर उसे फिर ज्यादा तुहार माया आप बा अतरा किल नहीं उसे सही गुणा हजार गुणा इीति में तुहार माया बा हर जिता, तर रंजिता मैं माफ कर आओ मैं तुहार घर बिगड़ना नहीं चाहो तुहार खुशी छिन्ना नहीं चाहो केवल अत्र चाहो यदि तू वहाँ खुशी नहीं हुई तो कलसे आपन चाहल जसिन माया नहीं बैठो कलसे आपन चाहल जसिन साथ नहीं बैठो कलसे मैं तैयार बाटो हारंजिता मैं तैयार बाटो तुहार लाग सदा तैयार रहम कई का हाँ संगम जी मैं रंजिता नहीं यह करना चाहो कई का संतोष चौधरी जी अपन सत्य कथा अठाई टुंगी लगाट आजमी प्रस्तुत करनो संतोष चौधरी जी के सत्य कथा वैवाह दुई कंचनपुर से पठाई लल यदि अपने होकन ठेफिए अस्त सत्य जीवन कहानी बाकल से अपने होकर ये फुलरिया में मन के बाहट कार्यक्रम में मर आवाज मन सुनना चाहती कलसे अपने उग्र रेडियो सुदूर संसार 106.5 मेगाहर्ज के ठिकाना मन पठाई सिक्बी वो अपने उग्र रेडियो के कार्यालय में आकन अपने उग्र छर सिक्बी वो अपने उग्र थे नेट के सुविधा बा कलसे अपने उग्र ईमेल मार्फत पठाई सिक्बी fullariabhet@gmail.com जहाँ से सुनती संसार के जोन को नाम से सुनती अपने उग्र ईमेल में पठेबी कलसे अवश्य फिर माठी पुग्ने भा वो अपने हुकनक सत्य जीवन कहानी जस्ता को तस्त प्रसारण करना मैं प्रयास करने बाटो कविला उमै अनुरोध कर दू कि सफा सुकर मन अपने हुक्र सिखबी कलसे नेपाली अक्षर मन लिख पठादेबी अबसम्म अपने हुक्र ये कार्यक्रम सुन दिली मैं अपन हृदय से अपने होकर ध्यार से ध्यार
धन्यवाद दिन चाहूँ अपने उगनक माया अपने उगनक प्रेम से आज समय कार्यक्रम यहाँसम्म पुगल भा अबसम्म प्रविधि म साथ दिन सँग रहन त्यार से त्यार धन्यवाद डिटी आभर म यहाँ अपने उगन से बिदा लिए परे एक अठवारसम्म उल्टा रहन चाहूँ ऐना अठवार फेन से अपने उगन से भेट करना बाचा करते बिदा चाहूँ अपने रात शुभ बितोस मीट नीन मीट सपना आओस यह अब मोर कामना मैया नंबर भी सुनती रवि रेडियो सुदूर संसार 106.5 मेगाहर्ट्ज नई सुन का मन मन